हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 4 अमेजिंग DIYs। यू आर गोइंग टू लव देम ऑल। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, माय नेम इज कंचन, डू सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक वॉल क्लॉक। इसके लिए मैंने लिया है ये इट्सी बिट्सी का वॉल क्लॉक का किट। इस किट में आपको ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें मिल जाएंगी। बेस में आपको MDF बेस मिलेगा, फिर हैंड्स मिलेंगे, कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, वॉल क्लॉक को हैंग करने के लिए पीछे से एक हैंगर भी मिलेगा और साथ में मशीन मिलेगी। तो काफ़ी अमेजिंग किट है अगर आप अपने घर पर ही कुछ DIY करके एक अमेजिंग सी वॉल क्लॉक बनाना चाहते हैं। तो बेस में मैंने ऑलरेडी चॉक पेंट लगा लिया है, आप जैसे से ले सकते हैं। बेसिकली हमें बेस वाइट करना है क्योंकि मैं इसमें बनाने वाली हूँ ईविल आई वाली क्लॉक। ठीक है, तो आप इसको कंपास की हेल्प से सर्कल्स बना लीजिए और फिर जो भी कलर्स आपको पसंद है ईविल आई के वो बना सकते हैं। इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के ब्लूज भी होते हैं, बट बीच में मैंने ब्लैक और फिर टील ब्लू और फिर लास्ट में एक वाइट वाले को छोड़ के मैंने नेवी ब्लू से इसको कलर कर लिया है। कलर्स को सील करने के लिए यहाँ मैंने वार्निश यूज़ किया है। वार्निश इज सो गुड, दिस इज फ्रॉम इट्सी बिट्सी। सारी किट ही इनफैक्ट इट्सी बिट्सी की है। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, एक बार ये सूख जाता है फिर हम इसमें साइड में नंबर्स लगा लेंगे। नंबर्स में यहाँ मैंने मिरर लिया है, यू कैन टेक एनी थिंग यू हैव एंड दीज ब्यूटिफुल मिरर्स आर ऑल्सो फ्रॉम इट्सी बिट्सी। इनका क्वालिटी ऑफ मिरर इज़ रियली गुड। आई हैव यूज सो मेनी मिरर्स लेकिन इनमें जो थिकनेस है एंड एक भी आपको मिरर टूटा फूटा नहीं मिलेगा। ठीक है, बीच में ये सुंदर सा डिज़ाइन बनाने के बाद हम इसकी क्लॉक को कर लेंगे सेट। तो क्लॉक सेट करने से पहले हमें इसे हैंग करने वाले को भी मशीन के अंदर सेट करना होगा, फिर हम इसके हैंड सेट करेंगे एंड दैट्स इट। दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर ब्यूटिफुल वॉल क्लॉक एट होम। डू लेट मी नो आपको ये वाली वॉल क्लॉक कैसी लगी। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने बहुत ही जुगाड़ करके बेसिक चीज़ें जो भी मेरे मम्मी के घर पे थे वो बनाया। दिस वॉज फॉर माई सिस्टर, हम छुट्टियों में गए थे घर पे एंड शी वॉज लाइक कि मेरे लिए कुछ बना दे वॉल हैंगिंग एंड आई हैड लिटरली नथिंग। सो मैंने इसी वजह से बेसिक चीज़ें मंगा ली थी जो मेरे पास थी और फिर हमने बनाई बहुत ही सुंदर सी वॉल हैंगिंग। तो सबसे पहले बेस में मैंने वाइट जेसो लगा लिया है और पीछे से हुक भी हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद शेप इट की क्ले लेकर अच्छे से क्ले को बना लिया ताकि हम सुंदर से लिपन आर्ट बना सके। तो डिज़ाइन बना लिया, क्ले हमारा रेडी है। उसके बाद शी वांटेड एक कमल और एक उनको चाहिए थी गाय, तो इसी तरह से हमने इनको धीरे धीरे से लगाया। अच्छा, क्ले का क्या यहाँ पर रहता है ट्रिक कि आपको क्ले को इस तरह से बना के ना थोड़ी देर आपको छोड़ना पड़ेगा। इफ़ यू लीव इट फॉर लाइक 5 or 10 minutes तब ये एकदम स्मूद आएगा आपका। सेकेंड, अगर आपकी क्ले सूख जाती है जैसे बहुत हार्ड हो जाती है तो आप इसे हेयर ड्राई की हेल्प से थोड़ा सा स्मूद और सॉफ्ट कर सकते हैं, देन यू कैन मेक दीज काइंड ऑफ डिज़ाइंस। तो एक बार डिज़ाइन वगैरह बन गया, दिस इज़ हाउ अ बेस इज़ लुकिंग। इसको हमने ऑलमोस्ट एक दिन के लिए छोड़ा, बहुत ही मज़ा आया सुंदर सा डिज़ाइन बनाने में। एक बार डिज़ाइन बन जाता है दूसरा भी मैंने इसी तरह से बनाया है। एक हमने काओ वाला बनाया और एक हमने लोटस का बनाया है। तो दोनों बेस रेडी हो जाने के बाद नाउ वी डिड दी कलरिंग। अंदर बेस में येलो किया है। कलर्स के लिए यू कैन टेक एनी कलर्स। यहाँ मैंने एक्रेलिक कलर्स लिए हैं फेविक्रिल के, कुछ मैंने इट्सी बिट्सी के कलर्स लिए हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बट बेसिकली अगर आप कलरिंग करेंगे ना तो एक्रेलिक कलर्स ही लेना या फिर आप चॉक पेंट भी ले सकते। बाहर हमने टील ब्लू किया, अंदर की तरफ ने येलो किया और फिर कमल या जितनी भी हमारी ड्रॉइंग थी उन सबको सुंदर सुंदर कलर से हाईलाइट कर लिया। गोल्ड कलर इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप गोल्ड कलर से कोई भी चीज़ें इस तरह से हाईलाइट करते हैं, सी हाउ ब्यूटिफुल एंड क्लासिक दिस इज़ लुकिंग। एक बार हमारा बेस एंड ड्राइंग एंड एवरीथिंग इज़ डन, आफ्टर अप्लाइंग वार्निश नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स दी मिरर्स। यहाँ पर हमने धीरे धीरे जितने भी मिरर्स थे ये सारे हमने लगाए अलग अलग डिज़ाइंस के। ये सारे मिरर इट्सी बिट्सी के हैं। क्वालिटी ऑफ मिरर इज़ सुपर्ब एंड दिस इज़ हाउ द फर्स्ट वॉल हैंगिंग इज़ लुकिंग। अनदर वन आई विल जस्ट शो यू, बहुत ही सुंदर ये काओ वाला भी लग रहा है। सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, है ना। आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बताना। Thank you.
एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड एक स्वागतम का बोर्ड उसके घर के सामने के लिए, तो वो भी हमने शेपिट क्ले से ही बनाई। शेपिट क्ले के अंदर दो क्ले आती है विच यू हैव टू मिक्स, और ये मिक्स करने के बाद अराउंड आपको हाफ एन आवर तक का टाइम देती है पूरा काम करने के लिए। तो इसमें भी मैंने स्वागतम लिख लिया हाथ से, और उसके बाद हमने इसमें क्ले लगाया। क्ले को थोड़ी देर आप सूखने दीजिए, तभी आपका काम एकदम स्मूथली और ब्यूटिफुली आएगा। आप इच्छी बिच्छी से मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा ताकि आपको वहाँ से अमेजिंग डिस्काउंट एंड ऑफर्स मिले। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको लगाया है स्वागतम को। पहले आप लिख लीजिए पेंसिल से और फिर धीरे धीरे करके आप उसे मोड़े। अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो आप उसे सीधा कर लीजिए। मेरे पास यहाँ जो भी चीज़ें बेसिक चीज़ें अवेलेबल थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के घर पर थे, मेरे पास मेरा कोई भी सामान नहीं था, तो बिल्कुल मिनिमम चीज़ों से मैंने ये बनाया है। इनफैक्ट ये बेस भी मेरे मम्मी के पास कुछ उनका वुडन काम हुआ था, तो ये ऐसी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो आप भी कोई भी बेस में चीज़ों से इस तरह की सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। वी लिटरली मेड इट लाइक बिल्कुल ज़ीरो बजट में। थोड़े से हमने कलर्स वगैरह लिए और मिरर लिया, एंड स्वागतम को भी हमने गोल्ड कलर से कलर कर लिया। फिर इसके ऊपर वार्निश लगाना है, डेफिनेटली बिफोर अप्लाइंग द मिरर्स वार्निश ज़रूर लगाना है ताकि आपका बेस एकदम सील हो जाए। फिर यहाँ हमने बनाए मिरर्स के सुंदर सुंदर फूल, अलग अलग तरह के और मिरर्स लगा के दिस इज़ हाउ अ ब्यूटिफुल स्वागतम वॉल हैंगिंग इज़ ऑल्सो रेडी। डू लेट मी नो इन चारों में से आपको मोस्ट फेवरेट कौन सा लगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आई एम सो सॉरी मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल पाई, बिकॉज बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी एंड इतनी हसड़ बसड़ में, आप सबको पता है अगर आपके बच्चे हैं तो आप काम नहीं कर पाते। तो लेट मी नो आपको इन चारों में से सबसे अच्छा डीआईवाई कौन सा लगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।